हेलो वालको, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पर। ठीक है, तो मैंने आपको फिनॉल प्रिपरेशन मेथड बता दिए हैं, अब ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नाउ तो बालक, फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट देन, तो आंसर आता है बेंजीन विल फॉर्म। क्या बनेगा? बेंजीन। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। और क्या निकल जाएगा? जिंक ऑक्साइड निकल के बाहर हो जाएगा। दूसरा केस, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड 3 मोल ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म पिक्रिक एसिड। व्हाट? पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया, फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रेट जिंक क्लोराइड देन एनिलीन इज फॉर्म। हाउ? एच एंड ओ एच फॉर्म वाटर एंड देन NH2 विल रिमेन, दैट एनिस्टर इज देयर। ओके, लेट्स। अब ये फिनॉल है, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सैलिसिलडिहाइड। व्हाट? सैलिसिलडिहाइड 3 मोल ऑफ KCl, 3 मोल KCl, 3 मोल KCl रिमूव हो जाएगा और 2 मोल वाटर विल बी रिमूव। ओके, ये है आपकी रीमर टीमैन रिएक्शन ऑल्सो, इसे रीमर टीमैन रिएक्शन भी कहते हैं हम। दूसरा केस ये है, फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज द सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। ओके, दिस इज ऑल्सो रीमर टीमैन रिएक्शन। ओके, सो रिमिंग बाय प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पर 3 थे, यहां पर 4 कर लो, 4 कर लो, यहां पर 3 कर लो। ठीक है, तो इसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।